मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और भाजपा की नेत्री इमरती देवी ने दावा किया है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत बहुत बड़ी होगी। गुना में तो रिकॉर्ड टूटने की बात कही गई। गौरतलब है कि गुना से केंद्रीय मंत्री और इमरती देवी के गॉडफादर कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। इमरती देवी ने इस मौके पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब उनके पास न तो कार्यकर्ता बचे हैं, न कोई विचार बचा है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सुनिए इमरती देवी का ये बयान। देखो, चुनाव दोनों पार्टी में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव, प्रत्याशी तो सब उतारेंगे, अपने अपने प्रत्याशी सब उतारते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के हर जगह प्रत्याशी जीतेंगे। एक और है, दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में जोर शोर से यात्रा निकाल रहे हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं। कितनी भी यात्रा निकाल ले वो चुनाव हारेंगे। कैसे कह सकती हैं आप? हम कह रहे हैं ना, आपको कोई नहीं बचो उन्नो, ना तो प्रचार करवेला खुद है, ना दूसरे लोग हैं, और जितने उनके बड़े बड़े लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची। आज भी आपने देखा होगा मुरैनी में कुशवाजी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जी, अच्छा एक और सवाल है आखिरी, कि गुना में भी बड़ा रोचक मुकाबला माना जा रहा है राव यादवेंद्र सिंह सिंधिया जी के सामने, आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई रोचक नंजम मैंने देखा है, मैंने वहाँ जाकर प्रचार भी देखा है, वहाँ सिंधिया जी चुनाव जीत रहे, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत। क्या लगता है रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार सिंधिया? रिकॉर्ड बनाए। आपने भी तो टिकट मांग रही थी, नहीं मिला था। कभी मांगो? मैंने कही थी ना, मैंने ये कही होगी अगर मेरे नेता जहाँ पहुँचाएंगे मैं चली जाऊंगी। तो आज चुनाव में यहाँ ग्वालियर पहुँचा रहे तो ग्वालियर जा रही हूँ, और गुना पहुँचा दे तो गुना चली जाऊंगी, मुरैना पहुँचा दे तो मुरैना चली जाऊंगी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जहाँ का जिम्मेवारी देगा वहाँ जाएंगे, भिंड की देगा तो भिंड की जाऊंगी। टिकट अगर आपको मिलता तो सीट निकाल लेती हैं आप? हमने मांगा ही नहीं,